भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पे 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, और आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे कि इसमें से सिर्फ 30% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी बेसिक अटेंडेंस क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब के 70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए ऑफिस में आते हैं, आके एक बार अटेंडेंस शीट साइन करी और अपने ही काम से चले गए, किसी की कोई शॉप है, किसी का छोटा मोटा बिजनेस इत्यादि चीजें, तो सिर्फ तनख्वाह लेने आए, काम नहीं किया। तो नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि कैसे सरकारी जॉब्स इंडियन यूथ के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रोचक सा सवाल हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इनमें से कौन सी संस्था में गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाती है। और आपके ऑप्शंस हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर ICICI बैंक। अब इसका जवाब मैं अंत में दूंगा, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दें। अब वापस आते हुए, ऐसा है क्यों? मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ती, चाहे आप काम करें चाहे ना करें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा लोग कर कैसे पाते हैं। उसको समझने के लिए कुछ साल वापस जाते हैं 2006 में। अब एक एग्जाम्पल ले लें, अगर आप उस वक्त सरकारी जॉब में थे और आपकी बेसिक सैलरी थी 7,000, तो 2016 तक सेम पोजीशन और एक्सपीरियंस वाले की सैलरी इंक्रीज होके हो गई थी 9,000। और अब हम आ जाते हैं आज के वक्त पर, तो अगर देखा जाए वही 7,000 वाली सैलरी आज के टाइम पे इंक्रीज होके हो चुकी है लगभग 18,000 की बेस पे पर। अब देखा जाए रीसेंट ईयर की जो ये ग्रोथ है, इसी में इसका राज छुपा है। अगर आप सरकारी जॉब के जनरल पर्क्स देखें, तो एक तो हाई सैलरी, एक सरकारी घर, ओल्ड एज पेंशन और कुछ बड़े पोजीशंस पे कार और सर्वेंट्स भी। तो ये जो जॉब है ये एक्चुअली एक पैकेज की तरह बना दी गई है। और अगर आप इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें से 73% लोग ऐसे हैं जो लो और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। और इसमें से अधिकतम लोग गवर्नमेंट जॉब को एक जॉब की तरह ना देखकर एक सीढ़ी की तरह देखते हैं, जिससे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करके अपने से अपर क्लास में इजिली जंप कर सकते हैं। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीढ़ी को आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है, तो जवाब सिंपल है, सरकार। और सरकार बनती है पॉलिटिकल पार्टीज से। तो सारी बात घूम फिर के यहां पर आती है, अगर आप रीसेंट इलेक्शंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर पार्टी, और मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट ना करते हुए बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहली लिस्ट जो होती है वो होती है गवर्नमेंट जॉब्स, कि हम गवर्नमेंट जॉब्स इंक्रीज कर देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर पाए। और यहां तक कि कई पार्टीज ने तो ऐसे प्रोमिसेस भी करे हैं कि हर घर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना देंगे अपनी स्टेट में। अब इसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक टिकट टू बेटर लाइफ है। इस हिसाब से बनाया गया है, इस हिसाब से मार्केटिंग करी गई है गवर्नमेंट जॉब्स की। इसी वादे पे इलेक्शन लेने का मान लो एक ट्रेंड सा बन चुका है। और यहीं अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाएं, आप ऑलमोस्ट 80% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी वैलिड डिग्री है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। अब डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में एक एवरेज इंसान 2.5 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स के बीच में तैयारी करता है गवर्नमेंट सर्विसेज को अप्लाई करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही आसान है, पर इसका प्रोसीजर इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो इसका कंपटीशन, मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक पीओन की जॉब के लिए हाल ही में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3700 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट्स थे और 27,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। और इस जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे? कक्षा 5। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स की हमारे देश में एक ऐसी धारणा बन गई है कि चाहे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका स्किल आता हो या ना आता हो, बस पेपर करने का स्किल आना चाहिए, बाकी सब चलता है। और यही सेम चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी पाई जाती है। अगर मैं आपसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछूं, E=MC²2, तो ये फॉर्मूला आप में से अधिकतम लोगों ने जरूर सुना होगा। अब नो डाउट इसका यूज तो है, लेकिन एक एवरेज इंसान के केस में ऐसी चीजों का कोई यूज नहीं है। तो मतलब प्रैक्टिकलिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बस आपको किताबें दे दी जाती हैं, इनको रट्टा मार लें और पेपर में जाके अप्लाई कर दें। मतलब पेपर आना चाहिए, बाकी चलेगा एजुकेशन में भी और सरकारी जॉब्स में भी। और यही हम दूसरा पहलू देखें गवर्नमेंट जॉब्स का, जो है करप्शन।
तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया CPI स्केल पे मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 40 पॉइंट्स पे आता है। मतलब कि अगर आप जीरो पे हैं तो आपका कंट्री सबसे ज़्यादा करप्टेड है, और अगर आप 100 में हैं तो आपका करप्शन ऑलमोस्ट निल है। तो अगर आप देखें तो जो हमसे ऊपर कंट्रीज हैं यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, बेसिकली वेस्ट, और हमसे नीचे जो हैं वो एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। और इस CPI इंडेक्स पे ना जाते हुए आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अगर आप आज किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो पीओन से लेके मैनेजर तक बिना पैसे दिए या फिर अप्रोच के आप अपना काम नहीं निकलवा पाएंगे। अब बात ऐसी है कि आपसे कोई पैसे मांगेगा नहीं, पर आपके फॉर्म्स में एरर्स बहुत होंगे, आपकी हेल्प नहीं करी जाएगी, आपकी फाइल आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगाया जाएगा। बेसिकली जब तक आप समझ नहीं जाते कि आपको किस अधिकारी को पैसे देने हैं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और इसी वजह से सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, कि गवर्नमेंट जॉब में एक बार लग जाओ तो लाइफ सेट है। मतलब कि आपको अपनी तनख्वाह भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर की कमाई से ही घर चल जाएगा और कभी भी आपकी जॉब जाएगी नहीं। और अगर यही चीज़ हम वेस्ट से कंपेयर करें, हाल ही में US में 1.5 मिलियन गवर्नमेंट जॉब्स ले ऑफ करी गई हैं, मतलब कि 15 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया है। कंपेयर टू इंडिया जहां पे किसी को भी निकाला नहीं जाता, अगर देखा जाए तो 2% लोगों को निकाला जाएगा, पर US में अगर आप काम नहीं करते, चाहे आप कैपेबल नहीं हैं, चाहे कोरोना की वजह से, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए दो चीज़ें सामने आती हैं। पहला तो इंडिया का गवर्नमेंट जॉब कल्चर, जो कि आज का नहीं है, कई सालों से पहले का है, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार ने किया क्या है। अब अगर सरकारी हल देखा जाए तो उनके हिसाब से एक बड़ा सीधा समाधान है प्राइवेटाइजेशन। माने कि जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है उसको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बेच देना। हाल ही में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इंडियन एयरवेज, जो भारत की सबसे बड़ी एयर ट्रेवल की सरकारी कंपनी थी, जी हाँ, अब वो कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज ने खरीद ली है। अब देखा जाए तो सर्विस के हिसाब से इसमें कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन मतलब कि अब वो कंपनी आपको बेहतर सर्विस देगी। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जहाँ पे एक सरकारी कंपनी का मेन फोकस आपको सस्ते में सर्विस देना होता है, वहीं पे एक प्राइवेट कंपनी का मेन फोकस आपको अच्छी सर्विस देना तो है, लेकिन उसका कारण यह है कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना, जो कि अगर प्राइवेट कंपनीज के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन मेरे हिसाब से एक हल तो है, लेकिन एक फ्रूगल हल है। मतलब कि एक जुगाड़ लगा दिया गया है, असली चीज फिक्स नहीं करी गई है, क्योंकि सिस्टम को चेंज करना मतलब खुद को चेंज करना। जब तक हम सरकारी जॉब को एक आसान तरीके से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देखने की जगह एक देश को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू नहीं करते, तब तक कुछ भी बदलना असंभव है। अब हमारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका सही जवाब है डी, ICICI बैंक। हालांकि एक इंटरनेशनल भारतीय संस्था है, लेकिन इसको भारत सरकार ने स्पॉन्सर नहीं किया है। तो आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपका क्या व्यू है, कि इसमें चेंज होना भी चाहिए कि नहीं।